Hello guys, today we have to make 3D paper kite. How to make 3D paper kite? So हमें एक मार्बल पेपर लेना है, उसे ऐसे करना है फोल्ड, और फिर इस कॉर्नर को दबा के ऐसे ऐसे करना है, ये ऐसे डन, ये हो जाएगा। ये वाला देखना कि ये वाला जो कॉर्नर है तो ये प्रॉपर होना चाहिए। तो फिर हमें इसको ऐसा, ये ऐसा करना है, तो फिर ग्लू की हेल्प से एक ग्लू की हेल्प से इसके साइड्स में इसको ऐसे ग्लू लगाना। हाँ, इसे ऐसे ये कर लेना फिंगर से स्प्रेड, फिर अच्छी तरह से चिपकेगा वो, और फिर इसे थोड़ा सा ऐसे करके लगाना है। हाँ, थोड़ा सा इसे उठा के लगाना है और इसे ड्राई होने देना है। फिर हमने पहले से आईज बना के रखी है, फिर इसके ऊपर ऐसे ग्लू लगाना है, फिंगर से ही करना है, क्योंकि अगर हम फिंगर से नहीं करेंगे ना वो उसको अच्छी तरह से स्टिक नहीं होएगा। हाँ, ये हो गया है। फिर ऐसी इसकी ऐसा बना देना और फिर ऐसे बना देना, फिर इसकी आईब्रो, फिर इसका छोटा सा नोज, छोटी सी स्माइल डालनी है, और फिर इसके स्माइल जब इसकी एंड होएगी इधर ऐसे से, सर्कल करना। और फिर पेंसिल से एक बार ऐसे इसको राउंड करना, फिर इसे मार्कर से करेंगे। फिर ये जब हो जाएगा तो मैंने इधर स्ट्रिप्स काटी है छोटी छोटी, ये देखो ऐसी स्ट्रिप्स काटनी है। फिर इसे पत्ती पत्ती स्ट्रिप्स में काट लेंगे और फिर ऐसे वी शेप जन, और फिर जहाँ हमें स्टिक करना है उधर ग्लू डालेंगे और डन। और फिर इधर भी ग्लू लगाएंगे और डन। तो अभी हमने ऐसे ऐसा बना लिया है, एक पेपर को कट करके ऐसा फोल्ड कर देना है। फिर ये जो हमने फोल्ड किया है ना इसे थोड़ा सा ऐसा वी शेप में करेंगे और फिर स्टिक करेंगे, ये रहा डन। जैसे वो थ्रेड होती है ना उसके अंदर डिजाइन्स, वही। तो अभी हम सारे जो भी है ये सब इधर स्टिक करेंगे। तो अभी हमने इसको चिपका लिया है, तो मैंने क्लाउड्स बनाया है, ये देखो
ये सारे क्लाउड्स की है। अभी हमें इसको जहाँ जैसे लगाना है वैसे आप लगा सकते हो। हमने ऐसे ही बिना नाप के कट किया है। अभी ये भी वैसे ही प्रोसेस करेंगे। अब ये लास्ट क्लाउड, फिर हमारी ये ड्राफ्ट डन है। ये थोड़ा ही ज्यादा बड़ा हो गया तो इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा बन गई है एक्टिविटी। कितनी सिंपल इजी, 2 मिनट में बन जाएंगी। तो आप ये घर पे ट्राई करना। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।